राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार देगी 26 जनवरी को 10 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 6000 रुपए की किस्त का लाभ। जाने किसान कैसे करे इस योजना में आवेदन। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दो। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार देगी 26 जनवरी को 10 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को 6000 रुपए की किस्त का लाभ। जाने किसान कैसे करे इस योजना में आवेदन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेटू न्यूज में। भारत की कृषि में लघु सीमांत और भूमिहीन कृषकों की संख्या अधिक है। सरकार खाता धारक लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजना संचालित कर रही है, लेकिन भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए योजनाओं का अभाव है। साल में भूमिहीन कृषि मजदूर भूमिहीन किसानों के लिए खुशखबरी आई है। भूमिहीन कृषि मजदूर भूमिहीन किसानों को सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सहायता राशि एक या दो किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। साल 2022 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूमिहीन कृषि मजदूर भूमिहीन किसानों के खाते में सरकार की ओर से योजना के तहत राशि जमा कराई जाएगी। अगर सरकार एक ही किस्त में राशि जमा कराती है तो किसानों के खाते में 6000 रुपए आएंगे। जन भूमिहीन किसानों को किस योजना में मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूर भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से 6000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता की पहली किस्त किसानों के खाते में 26 जनवरी 2022 को ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लॉन्च किया था। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पात्रता। योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को दिया जाएगा। आवेदक की 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार योजना में पात्रता निर्धारित की गई है। आजीविका मुख्य साधन शारीरिक श्रम मजदूरी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। जिस परिवार के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पोनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वन पोष संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, परिवार के किसी भी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदन करने वाले का आधार कार्ड, आवेदन करने वाले का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आवेदन करने वाले का बैंक विवरण हेतु पासबुक की फोटोकॉपी, निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में आवेदन की प्रक्रिया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पंजीयन के लिए सरकार के पोर्टल rggbbkmny.cg.nic.in पर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है। आवेदन पत्र को भरकर ग्राम पंचायत में जमा करवाना होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री करती है। सरकार इस योजना के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को फायदा पहुंचाना चाहती है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पंजीयन। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पंजीयन के लिए समय समय पर आवेदन मांगे जाते हैं। गत वर्ष सरकार ने पंजीयन के लिए 3 माह 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अभियान चलाया था। योजना के तहत करीब 4,41,000 भूमिहीन कृषि मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार ने जांच पड़ताल के बाद 3,56,485 परिवारों को योजना के लिए पात्र माना है। अब इन परिवारों को 26 जनवरी की पहली किस्त के माध्यम से 3 या 6000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।